तो वो जो सबमिट किया था ना वो आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद मुझे फिर जो है अप्रैल में भी सबमिट करना पड़ा जिसमें मैं पास आउट हुआ। तो ये जो मैंने सबमिट किया था आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो ठीक है, देखो मैंने ऐसा कुछ अपना असाइनमेंट एक्चुअल जो बनाया हूँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ गाइस, इससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में कैसे लिखना है आपको। क्योंकि हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। तो गाइस जैसे कि पता है आपको सितंबर मंथ आ चुका है, और अभी अपना जो असाइनमेंट का कॉलेज की तरफ से मेल भी आ गया, और 16 सितंबर के बाद अपना असाइनमेंट लाइव हो गया है। जो कि ये असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हमें 75 डेज मिला है। तो मेल दिखा देता हूँ आपको, जो मेल हम लोग को आता है बेसिकली, तो यहाँ पे देख लो, अगर असाइनमेंट देख पाओगे तो ये असाइनमेंट हमें सबमिट करना है जो है 29 नवंबर से पहले। ये असाइनमेंट आया अपने को, देख लो यहाँ पे, ये 15 सितंबर से लाइव हुआ और 29 जुलाई से पहले इसको हमें सबमिट करना है। तो इससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाले कि असाइनमेंट बनाते समय हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, फिर क्या करनी चाहिए। असाइनमेंट से रिलेटेड जितनी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं। बट सबसे पहले चलेंगे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे और थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन एंड असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग आके बात करेंगे। तो यार गाइस आ चुके हैं अपन अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा जो इस बार मैं बहुत सारी चीजों में डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी स्क्रीन के बाद हम लोग दूसरे चीजों पे भी बात करेंगे। तो हम बात करने वाले कि असाइनमेंट सबमिट करते समय हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। बट उससे पहले हमें जो है असाइनमेंट, जो हमें कॉलेज क्या बोलता है, यानी जो हमारी यूनिवर्सिटी है IAS, वो हमें असाइनमेंट सबमिट करने के लिए क्या क्या जो बोल सकते हैं कि बोल रही है कि ये सारे रूल्स फॉलो करो, ये सारी चीजें करो, तो आपका असाइनमेंट परफेक्ट बन सके। तो चलते हैं अपन यहाँ पे एग्जाम सेक्शन पे आ जाते हैं और एग्जाम सेक्शन के असाइनमेंट पे आ जाएंगे। तो असाइनमेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो असाइनमेंट लाइव हो गया है, और 72 डेज 2 आवर 54 मिनट 18 सेकेंड जो कि कम होते रहेगा ये अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट दिख जाएंगे, कितने अटेम्प्ट्स बाकी है वो दिख जाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन है जो हमें यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा, आई थिंक जो सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, अगर कैटेगरी सेम है, यानी अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ, HRM कर रहा हूँ, तो उनके से रिलेटेड क्वेश्चन सबके ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हमारे क्वेश्चन सेम है गाइस, तो हमें ये चीज नहीं करनी है कि अपना आंसर भी दूसरे के साथ शेयर करना है, क्योंकि अगर आपका आंसर एक दूसरे से मैच होते हुए दिखेगा ना तो उसको लोग कॉपी केस में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज का पूरा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो आ जाएंगे, ये क्या है, डाउनलोड मॉडल आंसर, जो आपकी आंसर्स कैसे आपको लिखने हैं क्वेश्चन के, अगर आपको देखना है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे आके इसको समझ सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सपोज आप पहली बार आपका सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको फर्स्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। तो अभी मैं एक 6 के 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल आंसर दिया रहता है, तो ये देखो मॉडल आंसर रहेगा कुछ इस तरह से, और आपको दिया रहेगा, ठीक है, आपको क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये पूरा क्वेश्चन आ गया, उसका फिर एक आंसर देके इस तरह से आपको पूरा लिख देना है। और वर्ड्स का जो है गाइस, हम लोग थोड़ा आगे वीडियो में बात करेंगे कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, ये सब। तो आप यहाँ से सैंपल आंसर्स का रेफरेंस ले सकते हैं, किस तरह से लिखना है, क्या करना है, सब कुछ एकदम डिटेल्स में आपको पता चलेगा। मैं दूसरे सब्जेक्ट का मार्केटिंग का दिखा देता हूँ, ये थोड़ा मैथमेटिकल था, एक थ्योरी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मिस पतंजलि हैज बिकम द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट द मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनी, ये जो भी है क्वेश्चन, अब उसका आंसर है। अब आंसर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे गाइस, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। इंट्रोडक्शन करेंगे पहला, यानी जो क्वेश्चन है उसके आंसर का इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में हम लोग लिखेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा ना, सेकंड पार्ट में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट है और उसके बारे में बताएंगे, एप्लीकेशन, यानी उसके उसको पूरा डिटेल में ना एलेबरेट करेंगे सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन देंगे उसका। आई थिंक यहाँ पे कहीं होगा थर्ड पार्ट पॉइंट, ये बहुत बड़ा बना दिया है लोग ने, देखो बहुत बड़ा, देखो यहाँ तक पूरा लिखा है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो उन्होंने उसका कंक्लूजन दिया है, और सेकंड पार्ट को भी उन्होंने जो है उसको छोटे 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 जो है पैराग्राफ में डिवाइड किया है, ताकि ए बी सी डी ए को देते हैं ना लाइन में, तो ताकि सामने वाले के लिए बहुत आसान हो और देखने में भी अच्छा लगे, और वो पढ़े तो उसको एकदम इजिली जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सैंपल क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर यहाँ पे बी असाइनमेंट पे हम लोग और आप फिर से आ जाते हैं, असाइनमेंट जो है गाइडलाइन दिया हुआ है, फी पेमेंट स्टेप्स दिए, तो गाइस मैं पहले बता दूं अपने को फी पेमेंट नहीं करना रहता असाइनमेंट के लिए टिल थ्री सबमिशन की तक, यानी हम लोग 1 2 3 3 बार फ्री में सबमिशन कर सकते हैं,
उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ टाइम सबमिट करते हैं तो हमें वह सब्जेक्ट 600 रुपीज पे करना पड़ता है। ये चीज अपने दिमाग में रखना ताकि आपसे गलती ना हो। प्रीवियस सेशन यानी पहले हम लोग ने कौन कौन से असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, तो असाइनमेंट गाइडलाइंस देते हैं। आज तक यार गाइस देखा जाए तो मुझे कॉपी केसेस में असाइनमेंट के बहुत कम सिचुएशंस आए हैं, इतना कुछ दिखाई नहीं दिया है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज हुई है क्योंकि मुझे असाइनमेंट के नहीं आया ज्यादातर, तो मैं अच्छा असाइनमेंट बना रहा था। मुझे सिर्फ एक ही असाइनमेंट था जो मुझे रीसबमिट करना पड़ा था दो टाइम्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो असाइनमेंट है 30% क्रेडेंस एवरी स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट बिफोर और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ डिक्लेयर। तो ये चीज मैं आगे आने वाले वीडियोस में अभी ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोग से डिस्कस करता हूँ गाइस, कि ये सारी चीजें क्या है, अपने को क्या ध्यान देना चाहिए, वेटेज क्या रहना चाहिए। ये पूरा फाइल आप पढ़ लोगे आपको और अच्छा डिटेल्स मिलेगा, आप अपने उस पे जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं प्रीवियस असाइनमेंट जो मैं बोल रहा था आपको दो बार सबमिट किया हूँ वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स कम्युनिकेशन बिजनेस का ओके ये वाला देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 6 और 7 नंबर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फर्स्ट टाइम मैंने असाइनमेंट सबमिट किया था तो वो जो सबमिट किया था ना वो आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद मुझे फिर जो है अप्रैल में भी सबमिट करना पड़ा जिसमें मैं पास आउट हुआ। तो ये जो मैंने सबमिट किया था आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो ठीक है देखो मैंने ऐसा कुछ अपना असाइनमेंट एक्चुअल जो बनाया हूँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, इससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में कैसे लिखना है आपको, क्योंकि जो उनके सैंपल क्वेश्चन आंसर उसमें बहुत कुछ डिजाइन किया है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये सब भी लिखना है कि नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन 1 का आंसर 1 मैंने सिर्फ यही लिखा है, क्वेश्चन भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आंसर 1 उसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ। ठीक है ये देखो उसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया उसका, ठीक है, और कंक्लूजन मैं ये दो पार्ट में ही इस समय किया था क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन था तो इसमें ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। देखो इंट्रोडक्शन फिर उसका कंक्लूजन दे दिया, फिर यहाँ पे देखोगे सेकंड का भी इंट्रोडक्शन दिया, फिर कॉन्सेप्ट दिया, इसमें कॉन्सेप्ट आया क्योंकि ये पूरा जो है मैथ ये बोल सकते हैं ना सॉल्विंग वाला क्वेश्चन ही था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था यानी इसमें हमें जो है थ्योरी था थोड़ा एक्सप्लेन करना था। तो पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया, देन उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, फिर लास्ट में हम लोग ने उसके कंक्लूजन के बारे में बात किया है। तो ये वाला भी थ्योरी नहीं है बट किसी किसी में हमें बात करना पड़ता है, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलता है गाइस कि क्या हमें इसके बारे में बात करना है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है, कंक्लूजन कुछ है और इसका इंट्रोडक्शन कुछ अलग अलग है कि नहीं। चलो बाकी बातें आप करते हैं फेस टू फेस। बाकी इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट रह जा रहा है यार कमेंट करो गाइस, एंड देख रहा हूँ कुछ सारे हेट कमेंट भी आ रहे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस आपके हेट कमेंट देने से रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ, अगर देखो हमारे पास टाइम रहता तो हम कमेंट का आंसर जरूर करते हैं। एंड इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं यार MBA करके थोड़ी दूर आया है से पास हो रहा जो कि बहुत झंडे गाड़ देगा फिर बहुत उखाड़ लेगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करके आप 10th पास होके भी बहुत सारे झंडे गाड़ सकते हो, बोल सकते हो इनकी लैंग्वेज उखाड़ सकते हो, बट जिसको नहीं करना है उसको तो हेट फैलाने में बहुत मजा आता है। बाय द वे ये बात की बात है, चलो आप बाकी बातें हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कर लेते हैं। सो गाइस आप लोग ने इसके टर्म्स एंड कंडीशन देख लिए, और इसके टर्म्स एंड कंडीशन में इसका मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं कि आपको करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, किन किन चीजों का ध्यान देना है आपको असाइनमेंट सबमिट करते समय असाइनमेंट बनाते समय, तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि असाइनमेंट जो अपना होता है टोटल जो है 30 मार्क्स का होता है, जो कि हर एक क्वेश्चन की जो है बोल सकते हैं कितने मार्क्स 10 मार्क्स के रहते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ दो टाइप्स के आते हैं, या तो एक न्यूमेरिक रहेगा या फिर थ्योरेटिकल रहेगा, यानी आपको या तो थ्योरी एक्सप्लेन करना रहेगा या तो फिर वो सॉल्व करना रहेगा। तो इन दोनों कंडीशंस में इनके जो कंडीशन होते हैं कि आपको हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिनिमम 1000 वर्ड में लिखना है, ये उनके जो है अभी आपने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर जो है हम थ्योरी वाले क्वेश्चन तो शायद 1000 वर्ड में लिख भी सकते हैं, बट उस कंडीशन में हम क्या करेंगे अगर हमें न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब अगर एक हमें किसी में फॉर्मूला लगाना है फिर उसको जो है फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है उस क्वेश्चंस को, तो वो थोड़ी 1000 वर्ड का हो सकता है 500-600 वर्ड का रहे या फिर 400 वर्ड का रहे, तो उस केसेस में हमें क्या करना है। न्यूमेरिक कैसा है, न्यूमेरिक मतलब जिस जो उसका आंसर बन रहा है आपके क्वेश्चन का वही आपको करना है, वो चाहे भले 300 वर्ड हो या फिर 400 वर्ड हो, उतने भी आपको रोक देना, आपको 1000 वर्ड तक स्ट्रेच करने के लिए उसको बढ़ाते नहीं रहना है, ठीक है। और प्लेग्रामेज की बात करो कि गाइज आप कितने परसेंट तक प्लेग्रामेज जो है आपके इसमें प्लाग्रिमी जो भी है वो भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो भी वो परसेंटेज है उसका कितना परसेंट तक आपका जो कॉलेज एक्सेप्ट करता है, तो मोस्टली अगर मैं बताऊँ तो वो लोग 10-15% तक प्लेग्रामेज अगर वो मैच होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब वो 20% जाता है तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं या तो फिर उसको कंसिडर ही नहीं करते और आपका मार्क्स उसमें 0 लोग दिखा देते हैं।
एंड इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर आपको 1000 वर्ड वाला रहता है थ्योरेटिकल में, वो मिनिमम 1000 नहीं रहेगा, अगर 700-800 तक भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया तभी भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके वो ओन वर्ड में रहना चाहिए असाइनमेंट्स का। एंड इसके अलावा गाइस आपको और भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी रहती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको असाइनमेंट्स आपके वर्ड फॉर्मेट में आपके जो है लैपटॉप या कंप्यूटर पे बनाना है, फिर देन उसको असाइनमेंट बनाने के बाद उसको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसके बाद ही आप अपलोड कर सकते हो। और आपको आपको ध्यान देना है कि आपका जो असाइनमेंट या फिर जो आपने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है वो मोर देन 4 MB 5 MB नहीं होना चाहिए और एल्स वो अपलोड नहीं होगा। आपको असाइनमेंट अपलोड करते समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके जो सब्जेक्ट का असाइनमेंट है अगर आप उसी सब्जेक्ट का अपलोड कर रहे हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट का आप अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने किसी और सब्जेक्ट की जगह किसी और सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया तो वो आपका जो है मार्क्स 0 ही माना जाएगा उसके जो नेक्स्ट टर्म में, जब आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तभी आप लोग उसको अपलोड कर सकते हो, तो इस चीज में ध्यान देना है। इसके साथ आप जब भी असाइनमेंट अपलोड करते रहो उस समय आपको जो है अपना लैपटॉप का स्क्रीन या फिर बोल सकते हो वो जो भी ब्राउजर का स्क्रीन है उसको रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि उस समय आप रिफ्रेश करोगे तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने के जो 3 अटेम्प्ट रहते हैं उसमें से एक अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी वो बोल दिया जाएगा कि आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया, आप दोबारा फिर से अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। इसके अलावा आप जब भी असाइनमेंट बना रहे हो तो अपना ओन वर्ड लिखो। आप लोग जो असाइनमेंट में कॉपी ज़्यादातर किसी और से करने की कोशिश मत करो या फिर कहीं से बहुत सारी जगह से कॉपी मत करो। कॉपी मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि किसी वेबसाइट से किसी सोर्स से जहाँ से आप असाइनमेंट लेके बना रहे हो सकता है वहाँ से और भी बहुत सारे लोग ने लिया हो, तो इस केसेस में सबका असाइनमेंट अगर एक जैसा दिखेगा तो कॉपी केस में आ जाता है और उस केस में भी आपके असाइनमेंट का मार्क 0 मिल जाएगा। एंड आप हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ओन वर्ड में लिखो। बहुत सारे जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे जिसको आप सॉल्व करोगे उसमें आप डायग्राम या फिर डाटा या फिर कोई सीट आप किसी वेबसाइट या कहीं से लेते हो तो वो सब आप ले सकते हो, बट उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि सोर्स कहाँ से लिया आपने। सोर्स से गूगल से लिया, विकिपीडिया से लिया या फिर कहाँ से लिया, उस केस में वो जो डायग्राम तक का एक सीन रहता है ना वो एक्सेप्टेबल है, उधर पे कोई कंसर्न नहीं होता अपने को। ये तो हमें टीचर्स लोग ने खुद स्टार्टिंग में बताया था और ये एक्सेप्टेबल है, आप NMIS से भी कन्फर्म कर सकते हो। मेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप एक बार अगर उनके कोई डाउट रहता। एंड इसके अलावा आप लोग को ये ध्यान देना है कि जब भी आपका असाइनमेंट पूरा हो जाए, अगर आपके असाइनमेंट को 10 दिन बाकी है सबमिट करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 9 दिन सबमिट कर रहे हो। मेक श्योर करना कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने के 4-5 दिन पहले यानी ड्यू डेट से पहले आप सबमिट कर दो, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो, और एल्स आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट कर दो। एंड जब भी आपका असाइनमेंट बनाते हो यार गाइस, ये एक चीज़ का ध्यान देना, आपके असाइनमेंट में आप कहीं पर भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं मैंसन करना है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका जो है आईडी कार्ड नंबर या फिर कोई ऐसी पर्सनल डिटेल जो आपको आइडेंटिफाई करने में इजली हो, अगर ऐसी कोई डिटेल्स आपके असाइनमेंट में मिल जाती है तो आपका असाइनमेंट जो है 0 मार्क किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ क्या हमें असाइनमेंट के लिए फीस पे करना पड़ता है? जी नहीं गाइस, हमें असाइनमेंट का जो है सबमिट करने के लिए 3 times का वो, उसके लिए हमें कोई भी फीस पे करना नहीं पड़ता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असाइनमेंट बनाते समय हम लोग अपने आप से करते हैं या फिर अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। आप जब फर्स्ट टाइम असाइनमेंट बना के सबमिट करोगे तभी आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है, फिर कोई अच्छा लगता है जो मैंने नहीं शेयर किया है, या फिर मैं कैसे असाइनमेंट बनाता हूँ, क्या मैं खुद से असाइनमेंट बनाता हूँ या मैं किसी और की हेल्प लेता हूँ, या फिर मैं कैसे असाइनमेंट बनाता हूँ कि मेरे को ज़्यादातर कॉपी केसेस नहीं आते, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों के कॉपी केस आए थे, तो वो सब अगर जानना है तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड हम वहाँ पे बातचीत करेंगे। कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग के कमेंट के आंसर दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट के आंसर नहीं भी दे पा रहे हो तो शायद बहुत सारे लोग जो है गलत कमेंट भी कर रहे हैं, तो नॉट एन इशू गाइस, कुछ होता है, लोग अलग गलत भी कर देंगे अच्छा भी करेंगे, तो वो कंसर्न नहीं है अपने लिए, बट जरूरी नहीं है गाइस कि मैं हर एक के क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। अपना भी पर्सनल लाइफ है, अपन पर्सनल थोड़ा बिजी भी रहते हैं, इधर उधर भी काम करते हैं, तो सबके क्वेश्चन के आंसर दे पाना इतना ईजी नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ ताकि उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। इवन आप लोग में से मेरे बहुत सारे लोग ने मेरे को इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट किया रहेगा, मैंने बहुत सारे लोगों की जो है रिप्लाई भी किया और उनसे काफ़ी सारा चैट भी किया, जितना उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए था उनको प्रोवाइड भी किया है। अगर आप उनमें से एक हो जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे जो है रिप्लाई किया, तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने आपको रिप्लाई किया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट बच जाता है आपका असाइनमेंट से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।